हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजू कुमार एंड वेलकम टू द न्यू टेक इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। अच्छा, ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से बिल्कुल अलग है। यानी कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, वह कंप्यूटर का इंटरनल भाग नहीं होता है। यानी कि कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट्स नहीं होता है। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है और इसे कंप्यूटर की द्वितीय यानी कि दूसरा मेमोरी भी कहा जाता है। ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, यह किसी भी इंफॉर्मेशंस को अस्थायी करके रखता है। यानी कि जब हमारे कंप्यूटर में करंट ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, उसके बाद भी सेकेंडरी मेमोरी जो है, वह सभी इंफॉर्मेशंस को सही जगह पर और सही ढंग से स्टोर करके रखता है। और ये जो मेमोरी है, वह प्राइमरी मेमोरी से काफ़ी सस्ता मिलता है और यह प्राइमरी मेमोरी से कम स्पीड पर भी काम करता है। यानी कि इसका स्पीड जो है, वह प्राइमरी मेमोरी से बहुत कम है। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी सभी इंफॉर्मेशंस को तो अस्थायी रूप से रखता ही है, लेकिन वे खुद अस्थायी नहीं होता है। यानी हम लोग इस मेमोरी को जब चाहे उसे चेंज कर सकते हैं। इस मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, उस इंफॉर्मेशंस को हम किसी दूसरे कंप्यूटर में आसानी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि सेंड कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, वह कंप्यूटर को एक्सेस टाइप को प्रभावित यानी उस पर कोई रुकावट नहीं डालता है। यह मेमोरी जो है, वह हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव के रूप में होता है। इस मेमोरी को यूज करने के लिए कंप्यूटर में हम लोग अलग से लगाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशंस होता है, उसको यूजर जो है, वह अपने इच्छा से या आवश्यकता अनुसार डिलीट कर सकता है, लेकिन वह अपने से कभी डिलीट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।